हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान जनरल नॉलेज। सो फ्रेंड्स, हमारा वीडियो पूरा देखिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। क्वेश्चन नंबर वन देखेंगे, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? आंसर है 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर टू, मिंटो मॉर्न सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? आंसर है 1909 में। क्वेश्चन नंबर थ्री, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? आंसर 1773 ईस्वी सन में। क्वेश्चन नंबर फोर, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर फाइव, विधानसभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किस व्यक्ति ने की थी? आंसर है बाल गंगाधर तिलक ने। क्वेश्चन नंबर सिक्स, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास कौन से भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था? आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। क्वेश्चन नंबर सेवन, भारत के सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा। क्वेश्चन नंबर एट, कौन से भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वासित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी? आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1909। क्वेश्चन नंबर नाइन, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? आंसर कैबिनेट मिशन प्लान 1946। क्वेश्चन नंबर टेन, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? आंसर कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 11, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? आंसर है 299। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान सभा पुनर्गठन देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? आंसर 70। क्वेश्चन नंबर 13, पुनर्गठन संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? आंसर है 229। क्वेश्चन नंबर 15, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे ज्यादा था? आंसर संयुक्त प्रांत का। क्वेश्चन नंबर 16, संविधान सभा में किसमें किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? आंसर हैदराबाद के। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान को किसने बनाया? आंसर है संविधान सभा ने। क्वेश्चन नंबर 18, संविधान सभा के लिए चुनाव कब पूरा हुआ? आंसर 1946 में। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? आंसर 9 दिसंबर 1946। क्वेश्चन नंबर 20, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? आंसर है दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 21, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आंसर है सच्चिदानंद सिन्हा ने। क्वेश्चन नंबर 22, संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? आंसर है 9 दिसंबर 1946। क्वेश्चन नंबर 23, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? आंसर सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 24, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 25, संविधान सभा के संविधानिक सलाहकार कौन थे? आंसर बेनेगल नरसिंह राव। क्वेश्चन नंबर 26, संविधान सभा के चुने गए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 27, संविधान सभा में
सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? आंसर, सहमति और समायोजना के। क्वेश्चन नंबर 28, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? आंसर, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया है? आंसर है, संविधान सभा द्वारा। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा कब स्वीकृत किया? आंसर है, 22 जुलाई 1947 में। क्वेश्चन नंबर 31, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर है, 284। क्वेश्चन नंबर 32, संपूर्ण भारतीय संविधान को निर्माण करने में संविधान सभा के कितना समय लगा था? आंसर है, 2 वर्ष 11 मंथ 18 डेज। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? आंसर है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? आंसर है, 15। क्वेश्चन नंबर 35, संविधान के अनुसार धर्मनिरपेक्षता मतलब क्या होता है? आंसर है, राज्य सरकार द्वारा किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 36, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? आंसर है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय संविधान के अनुसार कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? आंसर है, कमजोर लोगों के कल्याण का प्रबंध करना। क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में लिखा गया हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? आंसर है, संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय संविधान के अनुसार समाजवाद का अर्थ क्या है? आंसर है, सामाजिक न्याय। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? आंसर है, ऑस्ट्रेलिया की। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? आंसर है, प्रस्तावना को, आंसर यानी कि प्रियम्बल। क्वेश्चन नंबर 42, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदेशों को हम कहाँ देख सकते हैं? आंसर है, संविधान के प्रस्तावना में। क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? आंसर है, लोकतांत्रिक गणतंत्र। क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसके भरोसे है? आंसर है, जनता के। क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? आंसर है, भारत और इंडिया। क्वेश्चन नंबर 46, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ? आंसर है, 26 नवंबर 1949। क्वेश्चन नंबर 47, कौन से साल में भारत प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? आंसर है, 1950 में। क्वेश्चन नंबर 48, संविधान के प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया? आंसर है, एक बार। क्वेश्चन नंबर 49, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? आंसर है, 1976 में। क्वेश्चन नंबर 50, विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? आंसर है, भारत का। क्वेश्चन नंबर 51, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई? आंसर है, ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 52, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? आंसर है, संविधान। क्वेश्चन नंबर 53, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? आंसर है, सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 54,
भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? आंसर है 18 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 55, भारतीय संविधान में कितनी सूचियां है? आंसर है 3। क्वेश्चन नंबर 56, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहां जन्म लिया? आंसर है फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 57, अध्यक्षात्मक शासन का उदय सबसे पहले किस देश में हुआ? आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। क्वेश्चन नंबर 58, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? आंसर है संसदीय प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 59, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से सबसे ज्यादा समानता रखती है? कनाडा से। क्वेश्चन नंबर 60, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है? आंसर है ऑस्ट्रेलिया से। क्वेश्चन नंबर 61, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? आंसर है रूस के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 62, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? आंसर है आयरलैंड के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 63, कानून के समान संरक्षण यह वाक्य किस देश से लिया गया है? आंसर है अमेरिका से। क्वेश्चन नंबर 64, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? आंसर है आयरलैंड के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 65, संविधान के संरक्षण के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? आंसर है अमेरिका के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 66, भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किस देश के संविधान से प्रेरित है? आंसर है फ्रांस के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 67, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश के संविधान से लिया गया है? आंसर है कनाडा से। क्वेश्चन नंबर 68, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? आंसर है अमेरिका, यूएसए की। क्वेश्चन नंबर 69, संघात्मक शासन व्यवस्था सबसे पहले किस देश ने अपनाई थी? आंसर है कनाडा ने। क्वेश्चन नंबर 70, भारतीय संसदीय प्रणाली किस देश से प्रभावित है? इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 71, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? आंसर है दक्षिण अफ्रीका के। क्वेश्चन नंबर 72, संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले किस देश में विकसित हुई? आंसर है ब्रिटेन में। क्वेश्चन नंबर 73, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आंसर है अमेरिका, यूएसए की। क्वेश्चन नंबर 74, भारतीय संविधान कितने अध्याय, भाग, पार्ट में विभाजित किया गया है? आंसर है 22 भाग में। क्वेश्चन नंबर 75, संविधान के कौन से भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? आंसर है भाग 20 में। क्वेश्चन नंबर 76, संविधान के कौन से भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? आंसर है चौथे भाग में। क्वेश्चन नंबर 77, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां है? आंसर है 12। क्वेश्चन नंबर 78, मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? आंसर है 8। क्वेश्चन नंबर 79, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की संख्या कुल कितनी है? आंसर है 395। क्वेश्चन नंबर 80, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा जाता है? आंसर है राज्यों का संघ। क्वेश्चन नंबर 81, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? आंसर है अनुच्छेद 57। क्वेश्चन नंबर 82, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? आंसर है अनुच्छेद 19 में। क्वेश्चन नंबर 83, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? आंसर है
अनुच्छेद 19(1) में, क्वेश्चन नंबर 84, अनुच्छेद 370 किस राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करता है? आंसर है जम्मू कश्मीर को। क्वेश्चन नंबर 85, अनुच्छेद 356 का संबंध किस से है? आंसर है राष्ट्रपति शासन से। क्वेश्चन नंबर 86, राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? संसद को। क्वेश्चन नंबर 87, नए राज्य के गठन अथवा परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? आंसर है संसद को। क्वेश्चन नंबर 88, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस साल में हुआ था? आंसर है 1956 में। क्वेश्चन नंबर 89, प्रथम भाषाई राज्य किसको बनाया था? आंसर है आंध्र प्रदेश को। क्वेश्चन नंबर 90, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब प्रेरित किया गया था? आंसर है 1956 में। क्वेश्चन नंबर 91, पांडिचेरी को किस वर्ष में भारतीय संघ में सम्मिलित किया? आंसर है 1962 में। क्वेश्चन नंबर 92, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब दिया गया? आंसर है 1970 में। क्वेश्चन नंबर 93, भारतीय संघ में सम्मिलित किया 29वां राज्य कौन सा है? आंसर है तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 94, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? आंसर है 15 नवंबर 2000 में। क्वेश्चन नंबर 95, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर भारतीय नागरिकता खत्म हो जाती है? आंसर है 7 वर्ष, यानी कि 7 इयर्स। क्वेश्चन नंबर 96, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुआ? आंसर है 1949 में। क्वेश्चन नंबर 97, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? आंसर है भाग 3। क्वेश्चन नंबर 98, मूल अधिकार को सर्वप्रथम किस देश में संविधानिक मान्यता प्रदान की गई? आंसर है अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 99, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेद में मूल अधिकारों को वर्णन है? आंसर है 24। क्वेश्चन नंबर 100, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? आंसर है मूल अधिकार। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 101, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? आंसर है मूल अधिकार। क्वेश्चन नंबर 102, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? आंसर है राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 103, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको दिया गया है? आंसर है सर्वोच्च न्यायालय को। क्वेश्चन नंबर 104, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? आंसर है न्यायपालिका। क्वेश्चन नंबर 105, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? आंसर है संसद को। क्वेश्चन नंबर 106, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेद में वर्णित है? आंसर है अनुच्छेद 19 से 22। क्वेश्चन नंबर 107, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में आती है? आंसर है भाषण स्वतंत्रता के। क्वेश्चन नंबर 108, भारतीय संविधान में किस उम्र के बच्चों को काम पर रखना या फिर मजदूरी करने पर प्रतिषेध है? आंसर है 14 साल से कम। क्वेश्चन नंबर 109, भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बाद कितने समय में नजदीकी मैजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा? आंसर है 24 घंटे के अंदर। क्वेश्चन नंबर 110, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? आंसर है अनुच्छेद 25। क्वेश्चन नंबर 111, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? आंसर है अनुच्छेद 32। क्वेश्चन नंबर 112, संपत्ति के अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया है? आंसर है 44वें संशोधन में।
क्वेश्चन नंबर 113, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? आंसर है विधिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 114, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसके द्वारा रिट जारी की जाती है? आंसर है उच्चतम न्यायालय द्वारा। क्वेश्चन नंबर 115, सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है? आंसर है जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 116, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? आंसर है संसद। क्वेश्चन नंबर 117, किसी कैदी को न्यायालय में उपस्थित करने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? आंसर है बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट। क्वेश्चन नंबर 118, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? आंसर है गोवा में। क्वेश्चन नंबर 119, शराबबंदी संविधान के किस धारा में निर्देशित है? आंसर है धारा 47 में। क्वेश्चन नंबर 120, वर्तमान में संविधान के कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? आंसर है 11। क्वेश्चन नंबर 121, संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए है? आंसर है भारत के सभी नागरिकों के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।